छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन मायने नहीं रखता। प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी किया गया है। मौके पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार ने जनसंख्या कम बताकर उनका आरक्षण कम कर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण में बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 15 अगस्त को जो निर्णय लिया है उसका हम सब स्वागत करते हैं। पिछली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हमारे अनुसूचित जाति का आरक्षण हमारी जनसंख्या कम बताकर कम कर दी थी, 16% से कम करके 12% कर दी थी। उसको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिसकी जनसंख्या है उस आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था की है। अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़ाकर 13% कर दिया गया है। हमारे आदिवासी भाइयों की जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनको 29% दिए जाने का निर्णय पिछली सरकार ने लिया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उस पर हम लोगों ने क्रियान्वयन नहीं होने दिया था। अब उनको वापस उनका 32% आरक्षण मिलेगा। सांसद वीडी शर्मा ने पन्ना में एक प्रेस वार्ता